हेलो फ्रेंड्स कैसे हैं आप आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे मस्त होंगे अपना और का ख्याल रख रहे होंगे आज हम देखने वाले हैं कि आपके पर्सन की नेक्स्ट 72 टू आवर्स में क्या एनर्जी रहेगी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं क्योंकि आप मेरे हमेशा सोचते रहते हैं उनके बारे में तो वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं ठीक है चलिए देख लेते हैं दो दो कार निकल आए हम्म कुछ तो गड़बड़ है गाइज बहुत कुछ गड़बड़ है फॉल्स पर्सन किसी ना किसी की सच्चाई तो सामने आएगी आपके पर्सन के सामने ठीक है आपके पर्सन की जो एनर्जी देख रही हो ना गाइज यहाँ पर आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी में इन्वॉल्व है और किसी न किसी की सच्चाई आपके पर्सन के सामने आने वाली है यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि एक लेडी और एक जेंट्स चाहे आपके पर्सन के मदर फादर हो सकते हैं या फिर भैया भाभी हो सकते हैं या फिर ननद हो सकती है या फिर नंद और ननदेव हो सकते हैं जैसा आपको रीडिंग रेजोनेट हो वैसा ले लीजिए आपके लिए लकी हो सकता है टू नंबर एट नंबर टू मुझे ज्यादा दिखाई दे रहा है टेन नंबर एट भी मुझे दिखाई दे रहा है नाइन नंबर फाइव नंबर नाइन भी बहुत दिखाई दे रहे हैं ठीक है ठीके? और यहां पर फिर से मुझे टेन दिखाई दिया है किसी चीज की कंप्लीशन तो होगी ठीक है यहां पर मुझे गाइस ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी यानी कि फैमिली मेंबर्स के साथ इन्वॉल्व मुझे दिखाई दे रहे हैं और कुछ लोगों के पार्टनर अदर पर्सन के साथ में भी इन्वॉल्व है आपके पर्सन जो है वो ऐसी एनर्जी में है कि वो वेट कर रहे हैं किसी लेडी का मेन फीमेल यानी कि यहां पर दिखाई दे रही है आपको ये लेडी का वेट कर रहे हैं कि उनकी लाइफ में आए ठीक है काफी वेट कर रहे हैं ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन वेट कर रहे हैं कि ये लेडी मुझे अप्रोच करें ठीक है ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है ये आप भी हो सकते हैं कोई अदर पर्सन भी हो सकता है मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि मुझे तो अदर पर्सन ज्यादा दिखाई दे रहे है ठीक है और ये वेट कर रहे हैं कि ये मेरी लाइफ में आए ठीक है यहां पर हाउस गिफ्ट में उनको कोई गिफ्ट मिलने वाला है और वो इसी लेडी से उम्मीद कर रहे हैं कि या फिर उन्होंने आपके पर्सन को कोई गिफ्ट दिया होगा उसको भी याद कर रहे हैं यहां पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि या फिर हो सकता है कि आपने उनको कोई गिफ्ट दिया हो ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है उसको याद कर रहे हैं यहाँ पर हाउस यहाँ पर कोई नया घर है उनका अपना उसके बारे में सोच रहे हैं या तो उनको कोई गिफ्ट में मिलने वाला है उनकी इनहेरिटेंस उनको मिलने वाली है और अपना खुद का घर होगा उनका ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि वो आपको ये गिफ्ट भेंट करना चाहते हैं ऐसा भी कुछ केसेस में मुझे दिखाई दे रहा है जैसे आपको रीडिंग रेजोनेट हो वैसे ले लीजिए यहां पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि काफी विश मांग रहे हैं आपके पर्सन कि कभी मेरी मुराद पूरी हो जाए कभी मेरे पास में अनएक्सपेक्टेड इनकम हो यानी कि मेरे पास में बहुत ज्यादा फाइनेंशियली स्टेबिलिटी हो मुझे कुछ केसेस में ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है आपके बारे में ही सोच रहे हैं और एक दो परसेंट लोग जो हैं वो अदर पर्सन के बारे में सोच रहे हैं जिन्होंने उनको गिफ्ट दिया है और उनकी तरफ से कुछ इनकम होने वाली है और उनकी तरफ से कोई मैसेज भी आ रहा है उनके पास में ठीक है ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है तो उसकी कुछ सच्चाई भी आपके पर्सन के सामने आ सकती है ऐसा भी मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कुछ लोगों के केस में मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो हैं वो आपको लेकर के बहुत ज्यादा सोच रहे हैं हो सकता है कि पास्ट में आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया हो और वो अभी आपको कोई गिफ्ट देना चाहते हैं आप अपना खुद का घर देना चाहते हैं वो आपको ऐसा भी मुझे यहाँ पर कुछ केसेस में दिखाई दे रहा है काफी टाइम से वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं हो सकता है कि उनका पैसा कहीं अटका हुआ हो हो सकता है कि थर्ड पार्टी में उनका पैसा अटका हुआ हो और वहां से वो जो है एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि मुझे वहां से अनएक्सपेक्टेड इनकम हो कुछ और इनहेरिटेंस भी मिले और वो प्रॉपर्टी भी वो फाइनेंस भी मुझे मिले ऐसा भी सोच रहे हैं आपके पर्सन लेकिन गाइस और उस टाइम मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है कि वो टाइम का वेट कर रहे हैं कि कब वो कागज तैयार हो कब वो प्रॉपर्टी मुझे मिले ऐसा भी सोच रहे हैं। यहां पर बहुत ज्यादा टेंशन में भी हैं और आपके पर्सन ये सोच रहे हैं कि कब मुझे कॉल आए कब मुझे ये सब कुछ मिले ऐसा सोच रहे हैं गुड़ से ही विश मांग रहे हैं लेकिन यहाँ पर किसी पर्सन की सच्चाई सामने आने वाली है कोई न कोई पर्सन है चाहे फीमेल हो सकती है चाहे कोई मेल हो सकता है लेकिन उनका मुखोटा आपके पर्सन के सामने उतरने वाला है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है और आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि मुझे तो सड़क पर लाकर खड़ा करेंगे क्योंकि आपके पर्सन ने अपनी लाइफ में सब कुछ उनको दे दिया है अपनी लाइफ में उन्होंने कुछ भी नहीं देखा खुशी और ऐसा लगता है कि जैसे अगर ये इनकम मुझे नहीं हुई तो मैं गरीब हो जाऊंगा थर्ड पार्टी को लेकर आपके पर्सन बहुत टेंशन में हैं उनको ऐसा लगता है कि अगर इन्होंने ये मुझे इनकम नहीं दी और ये घर मुझे नहीं मिला तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा ऐसा सोच रहे हैं यहाँ पर वो ऐसा सोच रहे कि मैं सड़क पर आ जाऊंगा मैं बहुत गरीब हो जाऊंगा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको वो खुशी तो देना चाहते हैं आपके साथ में वो सारी खुशियां सेलिब्रेट भी करना चाहती हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन जो है उस पैसे का वेट कर रहे हैं अब वो पैसा दो दिन में भी मिल सकता है पांच दिन में मिल सकता है महीने में भी मिल सकता है छह महीने में मिल सकता है उस पैसे के आने के बाद ही आपकी लाइफ में कुछ खुशियां आ सकती है मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है यहाँ पर मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि आपके पार्टनर को उन्होंने झांसे में दे रखा है उनके फादर मदर ने कि आपको हम बहुत खुशी देंगे छोटे से ही बचपन से ही उनको बहुत सुनहरे सपने दिखाए हैं कि ये सब घर परिवार पैसा फाइनेंस सब कुछ आपको मिलेगा आप क्यों परेशान हो रहे हैं और कम्युनिटी में बताते हैं कि ये सब कुछ इसी का ही है लेकिन अभी तक दिया नहीं है क्योंकि वो आपके पर्सन के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर रहे हैं और इसी वजह से आपके पर्सन को समझ में भी आने लग गए है कि मेरे साथ कहीं धोखा तो नहीं हो जाएगा ऐसा आपके पर्सन सोच रहे हैं और आपके पर्सन बहुत टेंशन में है कि ये प्रॉपर्टी मुझे कब मिलेगी लेकिन मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपके पर्सन के साथ में धोखा होने के चांसेस मुझे ज्यादा दिखाई दे रही है किसी का मुखोटा उतर सामने आएगा अभी आपके पर्सन उस जेल में बंद है थर्ड पार्टी में बंद है फैमिली मेंबर्स का भी दिखाई दे रहा है कि इस जेल में बंद है उसे बाहर निकलना चाहते हैं, लेकिन इस टाइम का वेट कर रहे हैं। यहाँ पर कोई प्रॉपर्टी का वेट कर रहे हैं कि कोई प्रॉपर्टी मुझे मिल जाए देखिए क्योंकि मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है मुझे दिखाई दे रहा है कि कोई जमीन जायदाद का इश्यू भी मुझे दिखाई दे रहा है कि उनके लाइफ में काफी टाइम से ऐसा चल रहा है कि वो कब मुझे जो है वो देंगे प्रॉपर्टी देंगे कब वो जमीन नाम करवाएंगे कुछ प्लॉट वगैरह हो सकता है कोई जमीन खेत की जमीन हो सकती है कोई प्लॉट की जमीन हो सकती है कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे है की वो उनको दे नहीं रहे हैं और आपके पर्सन बहुत दुखी हो रहे हैं ठीक है ऐसा मुझे दिखाई दे रहा है अपने काम में बिजी रहते हैं और बहुत ज्यादा टेंशन में है बहुत ज्यादा रोती रहती हैं अकेले में कि कब होगा ये सब कुछ कब होगा कब मैं अपनी जर्नी को आगे ले जाऊंगा काम करते रहते हैं काम करते रहते हैं लेकिन मजदूरों की तरह काम करते बंधुआ मजदूर की तरह उनको लगा कर रखते हैं कि तुम हमारे हिसारों पर नाचो तुम्हें सब कुछ देंगे इस तरह की सिचुएशन मुझे आपके पर्सन की दिखाई दे रही है और आपके पर्सन जो है वो सारे दिन काम में लगे रहते हैं लेकिन उनको मिलता नहीं ठेंगा भी ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहे है ये पर्सन जो आपके पर्सन को धोखा दे रहे है ना ये पर्सन हो सकता है किसी आर्मी में हो कभी किसी एयरफोर्स में इन्होंने जॉब की हो या किसी भी पोस्ट पर ये इस तरह की फोर्स में रहे हो आर्मी एयरफोर्स नेवी में रहे हो मतलब किसी न किसी ऐसी पोस्ट पर रहे हैं कि इनके पास काफी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है और ये आपके पर्सन को बहला फुसला करके इतने साल आपके पर्सन के बर्बाद कर दिए कि सब कुछ आपका ही तो है सब कुछ आपका ही तो है इस तरह से लेकिन अभी आपके पर्सन को सोचने पर मजबूर कर दिए हैं अभी आपके पर्सन बहुत दुखी हो रहे हैं कि वो कब दिन आएगा मेरी लाइफ में कब वो मुझे मिलेगा और ये भी सोच रहे है कि कब जो है ये सब कुछ होगा लेकिन जल्द ही आपके पर्सन के सामने उनका मुखोटा उतरने वाला है जल्द ही आपके पर्सन के सामने उनकी सच्चाई आने वाली है ऐसा मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है ठीक है तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको टेंशन लेने की जरूरत तो नहीं है आपके पर्सन काफी तेज बनते हैं तेज तर्रार बनते हैं ये सब कुछ आपके पर्सन के सामने आने वाला है तो आप क्यों टेंशन लेते हैं अपने आप टेंशन लेंगे जिनको टेंशन लेने की आदत नहीं है वो टेंशन ले रहे हैं कमाल की बात तो यहाँ पर ये दिखाई दे रही है तो लेने दीजिए आप मेरी व्यूअर्स क्यों दुखी हो रहे हैं अपने आप ठोकर खाएंगे तो इनकी अकल ठिकाने आएगी जो इनको वेलविशर दिखते थे वही अपने जो इनको जब लूट लूट कर खाएंगे तब पता चलेगा इनको कि कौन सच्चा है और कौन झूठा है ठीक है तो यहाँ पर मूवमेंट टू मूवमेंट जीना अभी तो मूवमेंट टू मूवमेंट जी रहे हैं ठीक है भाई मैं तो खुश हो लेता हूँ बाद में पता नहीं क्या होगा मेरी लाइफ में पता नहीं धोखा मिलेगा कि क्या मिलेगा और फिर जब सैड की एनर्जी में आएंगे तब क्या होगा सोरो भी जल्दी ही उनको दुख भी मिलने वाला क्योंकि यहाँ पर मुखोटा भी तो उतरेगा ना कोई धोखा देगा तब फिर दुखी होंगे कि मेरे वेलविशप है जो मुझे बहुत अच्छे लगते थे आज इन्होंने मुझे धोखा दे दिया है स्ट्रेस फिर स्ट्रेस लेंगे ठीक है और फिर आपकी तरफ आएंगे फिर आप इसको दोस्त की तरह दिखेंगे कि आप ही मुझे पना दे दीजिए आपकी बाहों में पना चाहिए मुझे फिर ये आपके पास में रोते रोते आएंगे स्ट्रेस लेकर के आएंगे ठीक है यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है टू नंबर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है नाइन नंबर बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रहा है टेन नंबर भी दिखाई दे रहा है किसी चीज की एंड तो होगी और जल्द ही कुछ मेरे रिवर्स के पार्टनर के सामने तो जल्द ही इनका मुखोटा उतरने वाला है आप देख सकती हैं फिर स्ट्रेस में आएंगे जब मुखोटा उतरेगा तो स्ट्रेस में आएंगे देखिए ऐसा मुझे यहां पर दिखाई दे रहा है तो सब सच्चाई सामने आ जाएगी फिर इनको पता चलेगा कि जिंदगी की सच्चाई क्या है जो लोग मेरे अपने दिखते थे उन्होंने ही मुझे धोखा दिया है उन्होंने ही मुझे लूट कर खाया है तब पता चलेगा कि अपना कौन है पराया कौन है फिर ये दोस्ती की तरफ बढ़ेंगे कि मुझे तो दोस्ती चाहिए आपसे ठीक है वो दर्जा तो कभी दिया नहीं पार्टनर का दोस्त बन जाएंगे फिर आपके ठीक है तो ये थी गाइज आपके पर्सन की एनर्जी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत ज्यादा दुख भरी कहानी है चलिए यूनिवर्स की तरफ से कुछ मैसेज देख लेते हैं यूनिवर्स आपको क्या कहना चाहता है फाइनेंशली तो स्टेबिलिटी आपके पास आएगी फाइनेंशली गेन तो होगा पॉजिटिव मूवमेंट फॉरवर्ड फिर आप जो है आगे भी बढ़ेंगे और अभी भी आप आगे बढ़िए आपको सब कुछ मिलेगा ठीक है यहाँ पर यह कहा जा रहा है ट्रांसफॉर्मेशन ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरेंगे जब धक्का लगेगा तब ट्रांसफॉर्मेशन आएगा बॉटो ऑफे है मोइंग ऑन आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ते जाइए आपके पर्सन की जब आंखें खुलेंगी तब पता चलेगा ठीक है आपने काफी सेक्रीफाइस किए हैं अपने पर्सन के लिए अपनी फैमिली के लिए आप आगे बढ़ते जाइए आपको काफी नॉलेज भी हुई है यूनिवर्स ने आपको काफी कुछ ज्ञान भी दिया है आपकी इंटेक्शन स्ट्रांग हुई है आप अपने अंदर बदलाव लेकर आगे बढ़िए पॉजिटिविटी की तरफ बढ़िए आपके लिए ये मैसेज है आपको काफी फाइनेंशियली गेन होगा आप पॉजिटिव सोच रखकर आगे बढ़िए आपके लिए सिक्स नंबर लकी हो सकता है एट नंबर लकी हो सकता है फोर नंबर लकी हो सकता है थ्री नंबर लकी हो सकता है वन नंबर लकी हो सकता है नाइन नंबर लकी हो सकता है ठीक है सेवन नंबर लकी हो सकते हैं यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे थी रहा है ठीक है तो ये थी गाइस आपकी रीडिंग आई होगा इस रीडिंग रेजेंट हुई रेजेंट तो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल थैंक्स फॉर वाचिंग टिल नेक्स्ट वीडियो टेक केयर बाय बाय